लखनऊ से अगली बड़ी खबर है। प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों में अब लाइब्रेरी बनेगी। एनसीईआरटी के 500 से 1000 किताबें इस लाइब्रेरी में रखी जाएगी, तो हर एक स्कूल में होगी। प्राइमरी स्कूल में ये लाइब्रेरी होगी। सभी स्कूलों को प्राइमरी क्लासेस के लिए ये मैथ्स किट दी जा रही है। कोरोना के काल के बाद अब नए रूप में ये परिषदीय स्कूल दिखाई देंगे। शैलेश का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हैं हमारे साथ। शैलेश, जो ये नए रूप में दिखाई देंगे परिषदीय स्कूल, बताइए किस तरह का नया रूप है ये, किस तरह से किसकी सोच है और कैसे इंप्लीमेंट होगी, बताइए। देखिए राजीव, इस समय पूरे प्रदेश में कोरोना के चलते जो शिक्षण संस्थान है वो बंद पड़े हुए हैं और इस समय ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऐसे में जो बेसिक शिक्षा विभाग है, जो शासन है, उसने ये तैयारी की है कि क्यों ना जब तक ये स्कूल बंद है, इस समय सारे स्कूलों की तस्वीर बदलने पर काम किया जाए और इसी के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। देखिए, एक ऑपरेशन कायाकल्प पहले से ही प्रदेश सरकार में चल रहा है, जिससे स्कूलों में टाइलिंग का काम, वहाँ के रंग रोगन का काम, उन्हें संवारने का काम है। अब इसी बीच में ये बात आई है कि हर एक स्कूल में 500 से 1000 किताबों की एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री ने पहले कई बार इस चीज़ को लेकर वकालत की, कहा कि ये व्यवस्था की जाए और अब वो व्यवस्था होने वाली है। इसके अलावा सभी स्कूल जो है, अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में बच्चे ज़मीन पर दरी बिछा कर बैठते हैं, तो इसको लेकर काम किया जा रहा है कि कम से कम जब तक कोरोना काल खत्म हो, स्कूल खुले, तो 40-50% स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था कर दी जाए, इसको लेकर काम चल रहा है। इसको लेकर अवस्थापना में सुविधाओं के नाम पर जो बजट जब जारी हुआ था उसमें भी दिया गया था पैसा। इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्कूलों में अक्सर ही बात सामने आती है ऑनलाइन उपस्थिति की, बच्चों की डिजिटल लर्निंग की। इस समय जैसे बात करें, ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल रहा है, तो इसको लेकर जो एक योजना थी सरकार की कि हर स्कूल को एक टैबलेट दिया जाएगा, हर टीचर को एक टैबलेट दिया जाएगा, तो वो कैसे अब जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यानी कुल मिलाकर बदली परिस्थितियों के अनुरूप बदला स्वरूप भी दिखाई देगा। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लखनऊ से अगली बड़ी खबर है। प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों में अब लाइब्रेरी बनेगी। एनसीईआरटी के 500 से 1000 किताबें इस लाइब्रेरी में रखी जाएगी, तो हर एक स्कूल में होगी। प्राइमरी स्कूल में ये लाइब्रेरी होगी। सभी स्कूलों को प्राइमरी क्लासेस के लिए ये मैथ्स किट दी जा रही है। कोरोना के काल के बाद अब नए रूप में ये परिषदीय स्कूल दिखाई देंगे। शैलेश का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हैं हमारे साथ। शैलेश, जो ये नए रूप में दिखाई देंगे परिषदीय स्कूल, बताइए किस तरह का नया रूप है ये, किस तरह से किसकी सोच है और कैसे इंप्लीमेंट होगी, बताइए। देखिए राजीव, इस समय पूरे प्रदेश में कोरोना के चलते जो शिक्षण संस्थान है वो बंद पड़े हुए हैं और इस समय ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऐसे में जो बेसिक शिक्षा विभाग है, जो शासन है, उसने ये तैयारी की है कि क्यों ना जब तक ये स्कूल बंद है, इस समय सारे स्कूलों की तस्वीर बदलने पर काम किया जाए और इसी के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। देखिए, एक ऑपरेशन कायाकल्प पहले से ही प्रदेश सरकार में चल रहा है, जिससे स्कूलों में टाइलिंग का काम, वहाँ के रंग रोगन का काम, उन्हें संवारने का काम है। अब इसी बीच में ये बात आई है कि हर एक स्कूल में 500 से 1000 किताबों की एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री ने पहले कई बार इस चीज़ को लेकर वकालत की, कहा कि ये व्यवस्था की जाए और अब वो व्यवस्था होने वाली है। इसके अलावा सभी स्कूल जो है, अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में बच्चे ज़मीन पर दरी बिछा कर बैठते हैं, तो इसको लेकर काम किया जा रहा है कि कम से कम जब तक कोरोना काल खत्म हो, स्कूल खुले, तो 40-50% स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था कर दी जाए, इसको लेकर काम चल रहा है। इसको लेकर अवस्थापना में सुविधाओं के नाम पर जो बजट जब जारी हुआ था उसमें भी दिया गया था पैसा। इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्कूलों में अक्सर ही बात सामने आती है ऑनलाइन उपस्थिति की, बच्चों की डिजिटल लर्निंग की। इस समय जैसे बात करें, ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल रहा है, तो इसको लेकर जो एक योजना थी सरकार की कि हर स्कूल को एक टैबलेट दिया जाएगा, हर टीचर को एक टैबलेट दिया जाएगा, तो वो कैसे अब जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कुल मिलाकर बदली परिस्थितियों के अनुरूप बदला स्वरूप भी दिखाई देगा। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।